तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि यूजर एक्सपीरियंस और कस्टमर एक्सपीरियंस में आखिर क्या डिफरेंस है। पहले देखते हैं कि यूजर एक्सपीरियंस आखिर होता क्या है। जब कोई यूजर किसी प्रोडक्ट या सर्विस से इंटरैक्ट करते समय जो एक्सपीरियंस वो फील करता है उसे यूजर एक्सपीरियंस कहते हैं। जैसे कि आपने किसी ऐप को यूज करते वक्त नोटिस किया होगा कि उस ऐप का इंटरफेस कितना ईजी है, कितनी जल्दी वो ऐप रिस्पॉन्ड करता है आपको, या कितनी जल्दी आप अपने टास्क अचीव कर सकें उस ऐप को यूज करके। तो ये सारी चीजें यूजर एक्सपीरियंस के अंडर आती हैं। अब देखते हैं कि कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होता है। कस्टमर एक्सपीरियंस होता है इंटरैक्शन कस्टमर और ब्रांड के बीच, मतलब कस्टमर का ब्रांड के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब बिग बाजार में शॉपिंग करते वक्त उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या मैकडॉनल्ड में खाना खाते वक्त यूजर या कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा था, या किसी बैंक से होम लोन लेने का एक्सपीरियंस कैसा था। तो इसे कस्टमर एक्सपीरियंस कहते हैं। यूजर एक्सपीरियंस और कस्टमर एक्सपीरियंस एक साथ नहीं होते, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस कस्टमर एक्सपीरियंस का काफी छोटा सा हिस्सा है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं राहुल से। राहुल को भूख लगी है तो उसने इंटरनेट से या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वाला ऐप जायका डाउनलोड किया। वो पहली बार इस ऐप को यूज कर रहा है और उसे ऐप का इंटरफेस काफी पसंद आया। उसने देखा कि कितनी आसानी से वो रेस्टोरेंट या होटल सर्च कर सकता था, फूड आइटम्स सिलेक्ट कर सकता था, फूड आइटम ऐड कर सकता था, डिलीट कर सकता था। उसे ऐप में ये कंफर्मेशन भी मिला कि उसका ऑर्डर 20 मिनट में डिलीवर हो जाएगा। राहुल जायका के क्लियर नेविगेशन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इंटरफेस और फास्ट लोडिंग टाइम से काफ़ी सेटिस्फाइड था और उसने डिसाइड किया कि वो हमेशा जायका ऐप ही यूज़ करेगा फूड ऑर्डर करने के लिए। तो ये यूजर एक्सपीरियंस का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। अब राहुल ने खाना ऑर्डर तो कर दिया, राहुल इंतज़ार कर रहा है और 40 मिनट बीत गए फिर भी राहुल का ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाया। राहुल ने जायका के कस्टमर केयर को फोन किया तो उसे कतार में रहने के लिए कहा गया। जब उसका नंबर आया तो कस्टमर केयर ने 10 मिनट और इंतजार करने के लिए कहा। पूरे एक घंटे बाद जब ऑर्डर राहुल के पास पहुंचा तो वो कंप्लीटली ठंडा हो चुका था, उसकी पैकेजिंग बिगड़ चुकी थी। राहुल का ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। उसने अब यह डिसाइड किया कि वो फिर कभी जायका से खाना ऑर्डर नहीं करेगा। ये एक काफी बुरा एग्जाम्पल है कस्टमर एक्सपीरियंस का। इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने के बावजूद कस्टमर एक्सपीरियंस अगर ठीक नहीं है तो यूजर या कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होते। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस या ब्रांड के सक्सेस के लिए ये जरूरी है कि उसके यूजर एक्सपीरियंस और कस्टमर एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट हो। तो ये होता है बेसिकली डिफरेंस यूजर एक्सपीरियंस और कस्टमर एक्सपीरियंस के बीच।